अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। सदर और बजमे फरोग यादव के सदर मोहतरम सैयद निजामुद्दीन साहब साहब जो हमारे मीरे का अलवा भी है उनको मैं इस शेर के साथ दावत कलाम दूंगा कि निगाह बुलंद सुखर दिल नवाज मदर साहब साथ साथ के लिए कि निगाह बुलंद हमारे मीरे का अलवा है वो निगाह बुलंद सुखर दिल नवाज जहाँ खुशूर यही है रस्ते सफर मीरे का अलवा के लिए तो हमारे मीरे का अलवा सैयद निजामुद्दीन साहब साहब रात तो बिल्कुल नहीं है इसलिए बज्म के बारे में वक्त की किल्लत भी थी ज्यादा कुछ कह नहीं सके और अब वक्त भी नहीं है लेकिन तीन चार जुमले बोलूंगा। बज्म फरोग अदब 1983 में वजूद में आए आप में बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए 1983 कुछ दूर दराज दूसरी रियासतों से आए हुए असातिज़ा और कुछ मकामी असातिज़ा मिल के इसकी बुनियाद डाली गई और हमारे सरपरस्त आप सब लोग जानते हैं जनाब नवगुल भारती साहब को आज भी जब उनका जिक्र आता है वही कहते हैं पहले का मुख आता है और बड़ी तकलीफ होती है। बहुत दूर दराज इलाकों में उन्होंने मुशायरा पढ़वाया हम लोगों से कभी चाय पान की तकरीब में कभी किसी दूसरी तकरीब में पहुंच जाते थे। एक हमारे दोस्त थे नौशाद मुनीस आदमी इंतकाल कर गए अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे दो तीन साल पहले उनके बाल बहुत बड़े बड़े थे और नवगुल साहब खुद अजीब गरीब शख्सियत के मालिक थे। एक जगह गए तो बच्चों को मालूम नहीं था मुशायरा क्या होता है तो बोले कि ढोलकी वाली किधर है हम बोले कि समझे यहाँ पे कवाली वगैरह का प्रोग्राम है तो हमने नौशाद साहब को पेश किया कि ये कवाल है और नवगुल साहब के लिए कहा कि ये ढोल ढोल बजाएंगे। तो चाय पान का प्रोग्राम जब हो गया वो हमारा मुशायरा शुरू हुआ लोग कहने लगे लोग क्या साहिब खाना आए अब बोले बेगुन करा सुबह जी बहुत काम है हमारा और अब दादा बता सब काटने का है चलो चलो बंद करो हम लोग समेट के बंद किए इस तरह के मुशायरे में हम लोग पढ़े हैं। बहरहाल तो हमारी बस अब रजिस्टर्ड है और अल्लाह का करम है कि उसमें शोहरा अच्छे हैं और बहुत लोगों का हाथ है। मैं अबू बकर साहब का शुक्र अदा करता हूँ इतनी दूर से आते हैं और उनका एक समझ एक तरह से समझिए इनके हाथ है कि हमारे अशार हमारे प्रोग्राम को वो पेश करते हैं अपने अखबार में और हमारे किरदार साहब हैं ये तो गए हमारा घर है हर जगह वो होता है मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता कुछ अशार सुनाकर वैसे भी अब सदर बना दिया गया हूँ सदर बनने के बाद आप लोगों को मालूम है बेचारा चुपचाप बैठा रहता है वाह वाह बहुत खूब कहता रहता है और आखिर में जब नींद में बोझल होती है पब्लिक तब सदर की बारी आती है कुछ तो कहना पड़ेगा और उस पर भी सोने पर सुहागा। एक बात ये कि हमसे पहले जनाब साहब एजाज थे जिन्होंने हंसा हंसा के आप लोगों को हंसा हंसा के मैं कहूँगा परेशान कर दिया आप लोगों को माशा अल्लाह इसे नशीस क्या कहिए मुशायरा ही है। और मैं यहाँ के सदर यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी बज्म की तरफ से इतना अच्छा इंतजाम किया
और आखिर तक बैठे हुए लोग यहाँ पर हैं। मेरे भी चंद अशार सुन लीजिए, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये नशीस्त है। दो तीन से पहले सुन लीजिए कि जुल्मत शब की अब सहन की नहीं श्री मुलाजा हो। और ये कहना मैं मायूस समझता हूँ कि आप कह दीजिए, लेकिन अगर समय इकराम चुपचाप बैठे रहे तो यह सांप सूं गया हो, आवाज ना आ रही हो तो अच्छा नहीं लगता। अशार सुनिए, दाद दीजिए, न समझ में आए तो भी दीजिए। शेर है कि जुल्मत शब की अब सहर भी नहीं, शाख तो है मगर समर भी नहीं। शाख तो है मगर समर भी नहीं। जुल्मत शब की अब सहर भी नहीं, शाख तो है मगर समर भी नहीं। और देखिए झुग्गियां, झोपड़पट्टी को कहते हैं झुग्गियां, जल गई गरीबों की झुग्गियां, जल गई गरीबों की, आखिर शहर को खबर दी। क्या था झुग्गियां जल गई गरीबों की, आखिर शहर को खबर दी नहीं। क्या आप यूं कह लीजिए, आज तो सामने खड़े होके लगाते हैं, जला देते हैं, आग लगा देते हैं। एक शेर और देखिए कि झूठ धोखा, झूठ धोखा भैया बड़े को मत, माँ सेवा कोई हुनर ही नहीं। झूठ धोखा पड़े को मत, माँ सेवा कोई हुनर भी नहीं। लोग इसी को हुनर समझते हैं और सियासत में यही सबसे चलता दूसरा है। क्या शेर देखिए, गलत कल हुआ है शायद आप लोगों को पसंद आए निदा भाई, कि तुम मुसलमान हो और रियाकारी, तुम मुसलमान हो और रियाकारी, यार तुमको खुदा का डर भी नहीं। तुम मुसलमान हो और रियाकारी, यार तुमको खुदा का डर भी नहीं। और कत्ल हर बार मैं ही होता हूँ, तस्वीर का शेर है, कत्ल हर बार मैं ही होता हूँ, मेरे कांधे पे अब तो सर भी नहीं। कत्ल हर बार मैं ही होता हूँ, मेरे कांधे पे अब तो। जो तस्वीर जो दिया गया था बिसरा, उसके चंद अशार सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ, फिर आप अपने घर में अपने घर देखिए। मिश्रा था, मिश्रा समझ लीजिए क्या था, ये देखिए, बात दिल खोल कर जनाब करो, शेर सुनिए, बात दिल खोल कर जनाब करो, मुझको इस तरह लाजवाब करो, बात दिल खोल कर जनाब करो, मुझको इस तरह लाजवाब करो। और ये शेर अच्छा लगेगा आप लोगों को, जरा गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। पीछे के बच्चे, मैं अशार पढ़ रहा हूँ, मैं 37 साल तक स्कूल में टीचर रहा हूँ, 9 साल तक हेडमास्टर रहा हूँ, बच्चों की फितरत मुझे अच्छी तरह मालूम है, लेकिन मैं मजबूर हूँ इसलिए तुम्हारे लिए कोई अशार मेरे पास नहीं है। सुनो शेर, सुनो, किस कदर दिल मेरा दुखाया है, तफज़्जुल का शेर है कयम साहब, किस कदर दिल मेरा दुखाया है, पहले आओ मेरा हिसाब करो, किस कदर दिल मेरा दुखाया है, किस कदर दिल मेरा दुखाया है, पहले आओ मेरा हिसाब करो। और शेर सुनिए, दिल को मानिंद घर करो साहब, दिल को मानिंद घर करो साहब, मोहब्बत का इंतखाब करो। घर, आप समझते हैं घर किसको कहा जाता है, दिल को मानिंद घर करो साहब, फिर मोहब्बत का इंतखाब करो। और एक शेर और देखिए, सारी खुशियां समेट कर लाओ, सारी खुशियां समेट कर लाओ, और फिर गम को लाजवाब करो।
सारी खुशियां सीमेंट कर लाओ और फिर गम को लाजवाब करो। आखिर में एक शेर दुआ है अल्लाह ताला से कि सरफराजी अता करो मौला, सरफराजी अता करो मौला, साथ को साहिब किताब करो। ऐसी किताबें जिससे समाज सुधरता है, जिससे लोगों का भला होता है, वो किताब। फिर से शेर सुनाता हूँ तखल्लुस से मेरा इसमें, सरफराजी अता करो मौला, साथ को साहिब किताब करो। इन अशार के साथ मेरा ख्याल है कि इस मुशायरे का, मुशायरे ही कहूँगा, उसका अख्तिताम होना चाहिए। और फिर से आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने जो इतना अच्छा बंदोबस्त किया, दिल मोल लिया आपने। कभी एक मुशायरा रखवाइए इधर कहीं पूर्व जवान में, इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे हम आएंगे और फिर देखिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज के इस मुशायरे के सदर और पद्म फरों के आदर कोकल के सदर मोहतरम सैयद इदामुद्दीन साहब साहब, किस कदर दिन मेरा दुखाया है, पहले आओ मेरा हिसाब करो।